डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है और इस रिएक्शन में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये आपस में कंडेंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, जिससे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अब ये एल्डोल कॉन्डेंसेशन कब कहलाता है? जब दोनों ही एल्डिहाइड्स या एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिनके पास हरेक के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो अगर आपस में कंडेंस करते हैं तो फिर ये एल्डोल कॉन्डेंसेशन कहलाता है। अगर एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक एल्डिहाइड ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर वो कंडेंस करता है तो फिर वो क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन कहलाता है। सो चलिए देखते हैं कि किस तरह से एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन होता है। एल्डोल कॉन्डेंसेशन, इसको करने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। हम जानते हैं कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं उनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? CHO फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? CO होगा। दिस वन, ये एक कीटोन है और ये ऊपर एक एल्डिहाइड है जिसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं और इसको कीटोन बोलते हैं। IUPAC नेम इनके अलग है, इसको इथेनॉल बोलते हैं और इसको प्रोपेनॉन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, जिसको हम बोलते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए अगर ये कॉन्डेंसेशन करना है, एल्डोल कॉन्डेंसेशन। ऐसा ही कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप ये है हमारे पास, और इसके साथ ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। जब भी हम अल्फा बीटा से नंबरिंग करते हैं कार्बन को, तो हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर नहीं देते हैं अल्फा बीटा वाला, जबकि IUPAC नेम में 1, 2, 3, 4 हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही चलते हैं। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अल्फा हाइड्रोजन मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप के साथ लगता है कार्बन, उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे और वो होना चाहिए अगर एल्डोल कॉन्डेंसेशन करना है आपने। तो चलिए शुरू करते हैं एल्डोल कॉन्डेंसेशन होता क्या है। इसमें क्या होता है कि आप एल्डिहाइड लेंगे जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, और ये दो मॉलिक्यूल्स दोनों एल्डिहाइड्स के भी हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों एल्डिहाइड्स के ले रहे हैं, CH3C OH CH। ये देखिए ये दोनों ही हमारे पास एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हो गए, दोनों ही इथेनल है मतलब। तो इसमें क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन होता है। बेस मींस यहाँ पे आप OH नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो अल्फा पोजिशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्फा पोजिशन है एक मॉलिक्यूल में और दूसरे मॉलिक्यूल की अल्फा पोजीशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन से क्या होता है, हाइड्रोजन बेस का OH ले जाता है और यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है। जो कार्बन आयन कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है ऑक्सीजन की तरफ, और जो कार्बन है जिस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और ये क्या करता है, इस दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल के कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है, और जो हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ के चला जाता है, वो कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन के पास ऊपर चला जाता है, ऑक्सीजन के पास यहाँ चला जाता है हाइड्रोजन। तो जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CH3C, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड की जगह, और O के पास चला जाएगा दूसरे एल्डिहाइड का हाइड्रोजन, और यहाँ OH हो जाएगा, और यहाँ पे नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा कार्बन और दूसरे एल्डिहाइड के कार्बन के साथ। इस तरह से यहाँ पे CH2 ही रहेगा, क्योंकि ये किसका हाइड्रोजन ऊपर चला गया, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ही रहेगा एज इट इज। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम एसिटाल्डोल बोलते हैं, मतलब इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। एक इसमें एल्डोल इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि एक इसमें क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये देख सकते हैं आप, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और एक इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है। तो एल्ड प्लस ओल मतलब एल्डोल, इसको इसीलिए बोलते हैं। अब क्या होता है, इसमें जब हम इसको हीट करते हैं एसिड की प्रेजेंस में,
इसी कंपाउंड को अगर हम एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ से इस पोजीशन से हाइड्रोजन और इस पोजीशन से ये OH को ये रिलीज कर देता है, मींस वाटर यहाँ से निकल जाता है, H2O यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है जिससे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ H ऑलरेडी है, OH चला गया है, यहाँ से CH आ गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल बनता है इसको हम अपने नाम अल्फा और ये बीटा, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो एल्डिहाइड, अगर ये कीटोन से बना है तो कीटोन बोल देते हैं और इसका नाम होता है क्रोटोना एल्डिहाइड, इसको हम बोल देते हैं क्रोटोना एल्डिहाइड। इस तरह से ये एल्डोल कॉन्डेंसेशन दो एल्डिहाइड्स के बीच में होता है। आप देखते हैं कि दो कीटोन्स में कैसे होता है, दो कीटोन्स में सेम है जैसा कि यहाँ किया वैसा ही हमने कीटोन्स के बीच में करना है। कीटोन्स में क्या करना है हमने, यहाँ पे देखिए कीटोन का मॉलिक्यूल ले लेंगे CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे कीटोन का। दूसरे मॉलिक्यूल को हम थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे CH3 को H एक अलग लिख देते हैं और CH2 और साथ में जो बाकी चीज है उसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जाता है। हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ होगी क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जैसे ही ऐसा होता है तो यहाँ पे इस बेस की वजह से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो चला जाता है, लीव कर जाता है यहाँ से और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन पे आ जाते हैं। तो कार्बन पे जब भी आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे इस तरफ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इससे क्या होता है कि इन कार्बन और इस कार्बन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बन के एक बॉन्ड बन जाता है और जो हाइड्रोजन यहाँ से लीव करके गया ये ऑक्सीजन के पास चला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इससे जो फॉर्मेशन होती है हमारे पास वो किस तरह की फॉर्मेशन होती है, CH3C यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस नेगेटिव चार्ज के पास हाइड्रोजन चला जाता है, यही वाला हाइड्रोजन जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है और यहाँ कुछ भी मूवमेंट नहीं हमने दिखाई है। अब ये कार्बन CH2 के साथ जुड़ जाता है क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और एक कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिवली चार्ज है एक पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे ये जुड़ जाता है और इस तरह से यहाँ पे एज इट इज रहता है कीटोनिक ग्रुप। अब ये जो मॉलिक्यूल बना इसी को हम एल्डोल बोलते हैं। अब जब इस मॉलिक्यूल को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब भी हम इस मॉलिक्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। यहाँ से ये क्या होता है, ये जो 2H है यहाँ से एक H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाता है और यहाँ से ये OH यहाँ से लीव कर जाता है। तो OH विद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लीव करता है और हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ के लीव करता है जो इन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। तो इस तरह से जो नया हमारे पास एक कंपाउंड मिलता है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कीटोन से बन रहा है तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन यहाँ पे बनेगा और ऊपर हमने बोला कि वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड था, तो ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। तो इस तरह से ये एल्डोल कॉन्डेंसेशन कहलाता है जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के दो मॉलिक्यूल्स विच कॉन्टेन्स एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन वो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इस तरह से अनसेचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था एल्डोल कॉन्डेंसेशन कैसे होता है, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर सिंपली आपको नेम रिएक्शन आता है कि व्हाट इज एल्डोल कॉन्डेंसेशन, लेकिन अगर आपको क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन आता है तो उसको कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन है जो बिल्कुल इसी तरह होता है पर इसमें एक जो मॉलिक्यूल है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, लेकिन एक के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी है तो भी ये कॉन्डेंसेशन हो जाता है, लेकिन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है बेसिक कंडीशन में। तो इसमें हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर एक फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप अल्फा से नंबरिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा एक एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड जिसको मिथेनल बोलते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसका रिएक्शन हम
ऐसे एल्डिहाइड से करेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, जैसे एसिटाल्डिहाइड है ये वाला, तो यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ये। तो जब इस तरह से कंडेंसेशन होती है, कंडीशन सेम रहती है, बेस की कंडीशन में ही होगा ये, तो उसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। फिर होगा वैसे ही बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा, यहाँ से मूवमेंट वही होगी और यहाँ से हाइड्रोजन एक ऊपर चला जाएगा और ये कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना देगा जैसे हमने ऊपर किया, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी और ये कैच यहाँ पे है CH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड हो H यहाँ पे ये तो, और फिर इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये फिर से यहाँ पे अनसेचुरेटेड कंपाउंड दे देगा अल्फा बीटा CH, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो एंड H, इस तरह से ये एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। तो इस तरह से एक हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, एक हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स चाहे एल्डिहाइड्स है चाहे कीटोन्स है उनके आपस में कंडेंस करते हैं तो उसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। इसमें जो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड भी इसमें हम पार्टिसिपेट करा सकते हैं क्योंकि बेंजाल्डिहाइड के अल्फा के पास भी हाइड्रोजन नहीं होता है, ये बेंजाल्डिहाइड का अल्फा पोजिशन होता है, यहाँ पे ये वाला पोजिशन अल्फा होता है ये कार्बन, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो जब ये बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करेगा, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे ऊपर जो H लगा है इसकी जगह फिनाइल ग्रुप होगा, ये बेंजीन होगा, बाकी ऐसे ही सारा का सारा रिएक्शन होगा। तो अगर एक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर वो दोनों कंडेंस करके अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। सो थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।